सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। प्रथम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो जितने भी हम क्षत्रिय बंधु हैं उन सभी से यही कहना चाहते हैं कि ननौता में जो क्षत्रिय महापंचायत हुई थी पश्चिमी यूपी को लेकर, क्योंकि ये जो इतिहास चोरी हो रही है, ये ज़्यादातर पश्चिमी यूपी या थोड़ी सी हरियाणा वाली साइड और जहाँ फिर कुछ और भी मध्य प्रदेश या राजस्थान वाले इलाकों में जहाँ पर मिहिर भोज का इतिहास चुराया जा रहा है, तो उसको लेकर जो भी डिसाइड हुआ था सहारनपुर के ननौता में क्षत्रिय महापंचायत में कि बीजेपी आरएसएस को हराने का काम किया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता लग चुका है, हर मीडिया अखबार में आ चुका है कि क्षत्रिय महापंचायतें हो रही है इस बार बीजेपी को हराने के लिए। तो हम सभी का ये फर्ज बनता है, हम सभी क्षत्रिय हैं क्षत्रिय, और हम अपने जुबान के पक्के होते हैं, जुबान दे दी और वो भी दुश्मन के खिलाफ, तो फिर दुश्मन के खिलाफ जुबान में हम पीछे नहीं हट सकते। क्षत्रिय की जुबान सबसे बड़ी है, जे बीजेपी आरएसएस या कांग्रेस नहीं, हम इसके गुलाम नहीं है। हमारे पुरखों ने इस देश को सजाया, इस देश पर राज किया, बीजेपी आरएसएस ने आकर राज नहीं किया। तो जो महापंचायत में ऐलान हुआ था सर्वसहमति से कि इनको हराना है, सबक सिखाना है, तो उस जो ऐलान है उस पर कायम रखना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन ना जाए। क्षत्रिय की गर्दन कट जाए लेकिन बचन ना जाए, उस रघुकुल रीत पर आपको चलना है। और जिन लोगों ने उस वक्त कसम खाई थी जहाँ वीडियो देखी थी जहाँ जे बोला था कि हम बायकॉट करते हैं, तो अपनी जुबान से पीछे नहीं हटना। जे बीजेपी आरएसएस या कांग्रेस जे आपको कुछ नहीं करेगी, आपको उसको हराना है जो बीजेपी को हराए, क्योंकि हमारी जो जो लड़ाई है क्षत्रिय समाज की वो मौजूदा सरकार से है। मौजूदा सरकार ने पुरुषोत्तम रूपाला को जो बंदा है उसने क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान दिया, दूसरी पश्चिमी यूपी में ठाकुरों को टिकट नहीं दी गई, तीसरी नाराजगी चाहे बीके सिंह हो या जितने भी क्षत्रिय जो युवा हैं उनको टिकट नहीं दी गई, उसके अलावा चौथा जो मुद्दा है क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज को शरेआम गुजर बनाया जा रहा है, उसके अलावा क्षत्रिय सम्राट चाहे सुहेल देव बैंस हो उनको कोई लोग पासी कोई राजवर, तो ये चीज़ें हैं जो क्षत्रिय समाज इसका विरोध कर रहा है। अब हर बार विरोध करते रहते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इस बार मीडिया में ये खबर फैली है कि मिहिर भोज को लेकर क्षत्रिय समाज विरोध करने जा रहा है। अब पश्चिमी यूपी के क्षत्रियों दिखा दो, क्योंकि आप सभी देखो कि जो वोट की जो मार्जिन होता है किसी भी पार्टी का जीतने का, वो भी पश्चिमी यूपी में वो 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 से ज़्यादा नहीं रहता। और पश्चिमी यूपी में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर क्षत्रियों की आबादी क्षत्रियों के वोट 2-3 लाख से ज़्यादा ना हो, वो पहले वोट सारे बीजेपी को पड़ते थे, अब बीजेपी के खेमे से कटेंगे वोट और दूसरी साइड जाएंगे तो ये कैसे जीतेगी। 1,00,000 मार्जिन से हार जाती है अगर उधर से उधर चला जाए बंदा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। हर क्षत्रिय लोकसभा में 2,00,000 से ज़्यादा वोट हैं, तो मैं सभी क्षत्रिय भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बाद में आपने रोना पीटना ही है और हमने भी आपका साथ देते रहना है कि मिहिर भोज का इतिहास चोरी हो गया, वो हो गया, तो क्यों ना इस बार उनको सबक सिखाया जाए। बात तो यही आएगी ना आगे मीडिया में कि क्षत्रिय समाज ने ठाना था महापंचायतें हुई थी तो इनकी हार हुई, तो अब ये वीडियो को शेयर करो और सभी क्षत्रिय भाइयों तक पहुँचाओ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो पश्चिमी यूपी चाहे गुजरात चाहे झारखंड जहाँ जहाँ क्षत्रियों की टिकटें काटी गई हैं क्षत्रिय बाहुल्य इलाके से, वहाँ से हराने का तो काम किया जाए। कम से कम इनको पता तो लगे कि क्षत्रिय अपने जुबान के पक्के होते हैं और किसी के गुलाम नहीं होते। तो सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र।